हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत ग्रामर में चैप्टर 1 संस्कृत वर्णमाला पढ़ाएंगे। ये चैप्टर आपके क्लास टेस्ट और फर्स्ट टेस्ट दोनों में आएगा। इसमें आपको ग्रामर का सामान्य ज्ञान कराएंगे। पहला है हमारा संस्कृत में वर्ण। संस्कृत वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने होते हैं? दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो स्वर होते हैं, संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 13। कितनी होती है? 13। ए, आ, छोटी बड़ी छोटा बड़ा ली बड़ा ली लिली ए आई ओ और औ। इन्हीं स्वरों की संख्या को तीन भागों में बांटा गया है। जो हमारी 13 संख्या होती है स्वर की, उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है हमारा संयुक्त स्वर। ह्रस्व होता है जिनको बोलने में समय कम लगे, जिनको जिन वर्णों को उच्चारण करने में समय बहुत कम लगता है, वो हर स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसमें 5 स्वर आते हैं, ए, ई, उ, री और लि। कौन कौन सा थे? ए, ई, उ, री और लि। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में भी आपके 4 स्वर है। इसमें हर स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, बोलने में दुगना टाइम लगता है। इसमें आते हैं 4 स्वर, आ, छोट बड़ी बड़ा हो और बड़ा दी। आ बड़ी ई बड़ा हो और बड़ा दी। इसके बाद हमारा आता है संयुक्त स्वर, यानी कि दो स्वरों के मेल से बने हुए वर्ण। दो स्वरों के मेल से बने हुए वर्ण वो आते हैं संयुक्त स्वर में। इसमें भी 4 स्वर आते हैं, ए आई ओ और औ, ए आई ओ और औ। अब दो स्वर कौन से? जो ए है इसमें स्वर ए और ई है, ए और ई मिलके ए बनता है। आई में ए और बड़ी ई मिलके आई बनता है। उसी प्रकार ओ में भी ए और उ मिलके ओ बनता है और ए और बड़ा ओ मिलके बड़ा औ बनता है। इसलिए इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। इसमें दो स्वर मिलके एक स्वर बनाते हैं। अब हमारा टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। देवर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब कि बिना स्वर के ये व्यंजन किसी काम के नहीं है या अधूरे होते हैं। बिना स्वर के ये व्यंजन कैसे होते? अधूरे होते, आधे होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? जब कह लेते हैं उसके लिए हलंत लगा देते हैं, यानी इसके अंदर स्वर नहीं मिला हुआ है। और अगर हलंत लगा दिया यदि इसके अंदर ए स्वर मिला हुआ है, पहचान कैसे? अगर किसी वर्ण के नीचे इस तरह से हलंत लगा हुआ है, यानी कि बिना स्वर का व्यंजन है, उसमें स्वर नहीं है और हलंत नहीं लगा हुआ है, यानी कि इसके अंदर ए स्वर मिला हुआ है, तब बोलेंगे क। अब व्यंजन, व्यंजन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन। इसमें 25 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 25। क वर्ण से लेकर प वर्ण तक। जैसे क ख ग घ ण, च छ ज छ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ ज द ण और प र भ भ ण। इस प्रकार जो 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ण में 5-5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार 25 वर्ण पूरे स्पर्श व्यंजन में होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, य र ल व। क्या कहते हैं? य र ल व। अंतस्थ में आते य र ल व। लास्ट हमारा है उस व्यंजन। उस व्यंजन में 4 आते हैं, श श श और है। तीन प्रकार के शब्द, श श श और है, ये हमारे संस्कृत वर्णमाला। इसके अलावा हमारे संस्कृत ग्रामर का मुख्य टॉपिक होता है लिंग। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, संस्कृत में लिंग भी तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में वे शब्द आते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग में वे शब्द आते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। और नपुंसक लिंग में वे वर्ण आते हैं जो वर्ण ना स्त्रीलिंग में आते हैं ना पुल्लिंग में आते हैं। उन वर्णों को, उन शब्दों को नपुंसक लिंग शब्द में जोड़ा जाता है। उसी प्रकार होते हैं वचन। वचन भी हमारे तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है। बहुवचन में दो से अधिक यानी तीन होती व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। और द्विवचन में दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोध होता है। अब बचे हमारे मेन टॉपिक आएगा पुरुष।
संस्कृत में पुरुष भी तीन होते हैं, पहला है प्रथम पुरुष, कौन सा होता है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है हमारा उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, आप इंग्लिश में पढ़ते ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष वे होते हैं जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं, जैसे मैंने कहा कि राम अच्छा बच्चा है, राम बड़ा बुद्धिमान है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। राम किसमें आएगा, प्रथम पुरुष में, किसमें आएगा प्रथम पुरुष में, जिसके बारे में हम बात करते हैं। प्रथम पुरुष का अन्य नाम अन्य पुरुष भी होता है, क्या होता है अन्य पुरुष, किसे बनता है, प्रथम पुरुष का अन्य नाम क्या होता है अन्य पुरुष, ठीक है। जैसे मैंने कहा राम बुद्धिमान लड़का है, तो मैं किसके बात कर रही हूँ राम के बारे में, तो राम किसमें आएगा प्रथम पुरुष में। अब मैं मध्यम पुरुष, इसमें आपसे बात कर रही हूँ, तुम खड़े हो जाओ, तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, तो तुम आओगे मध्यम पुरुष में, किसमें आओगे मध्यम पुरुष में, जिससे बात की जाती है वो मध्यम पुरुष कहलाता है, जिससे बात की जाती है वो मध्यम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष में मैं आती हूँ, मैं बोलने वाली हूँ, मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष में आ गई, आपसे बात कर रही हूँ आप मध्यम पुरुष में आ गए, और जिसके बारे में बात कर रही हूँ प्रथम पुरुष में आता है, ठीक है ना। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में जिसके बारे में बात की जाती है इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है, जैसे कि तुम दोनों, तुम सब, संस्कृत में बोलते हैं त्वम, युवाम और युयम। और उत्तम पुरुष बात को कहने वाला, जैसे कि मैं, अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। तो आज का टॉपिक इतना ही है, थैंक यू।